आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर का रुख करेंगे। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी खबर, आपको बता दें जेडीए के रिकवरी नोटिस पर जमा कराए 9,23,000 रुपए। इमारत मालिक अनिल अग्रवाल को नोटिस थमाया था। अनिल अग्रवाल की इमारत का जेडीए ने जमींदोज भी किया था। गोपालपुरा बाईपास स्थित इस इमारत में चलता था कोचिंग। मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण सुरेश ढाका चलाते थे अधिगम कोचिंग सेंटर। जेडीए की बिना स्वीकृति बेसमेंट और 5 मंजिला इमारत बनाई गई थी। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने 9 जनवरी को इमारत को धराशाही भी किया था। तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की थी। कार्रवाई में आई अनुमानित लागत की वसूली के लिए ये नोटिस दिया गया था। जेडीए के नोटिस पर इमारत मालिक ने अब राशि जमा करा दी है। तो बड़ा अपडेट इस मामले में, जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया था और बुलडोजर चलाने का मकसद उन लोगों को आगाह करना था जो बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि यहां बात एक परिवार की नहीं बल्कि लाखों परिवारों की है। बेरोजगार अभ्यर्थी दूर दराज से आते हैं पढ़ाई करने के लिए, अपने परिवार से दूर रहते हैं और फिर जब सपने उनके टूटते हैं क्योंकि इस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आते हैं। हालांकि सरकार भी इस पूरे मामले पर संवेदनशील नजर आई थी और लगातार कार्रवाई की गई इस मामले में, लेकिन अब ये बड़ी अपडेट के जेडीए ने जो नोटिस दिया था, अब इमारत के मालिक ने राशि जमा कराई है। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, जेडीए के नोटिस पर इमारत मालिक ने राशि जमा कराई है, कब राशि जमाई कराई गई, क्या पूरी जानकारी अभिषेक आपके पास? देखिए, राशि जो है जमा करा दी गई है और ये जो मामला है ये 9 जनवरी का है। 9 जनवरी को जेडीए ने तोड़फोड़ करी थी। जेडीए ने पूरी 5 मंजिला इमारत को धराशायी किया था और ये वही इमारत है जिसमें अधिगम कोचिंग सेंटर चलता था। अधिगम कोचिंग सेंटर जो है भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका है जो कि शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी हैं, वो ये कोचिंग सेंटर चलाते थे। हालांकि ये इमारत उनकी नहीं थी, ये कोचिंग सेंटर किराए पर चलता था, लेकिन जेडीए ने फिर भी उस पर कार्रवाई करी क्योंकि जेडीए का ये कहना था कि यहाँ पर इस तरह का कोचिंग सेंटर चलता था इसका। और दूसरा, इसमें भवन विनियमों के लिहाज से भी यहाँ पर अवैध निर्माण है। बिना जेडीए की स्वीकृति के 0 सेटबैक पर यह अवैध इमारत खड़ी की गई है, इसके चलते इसको तोड़ना जरूरी है। जेडीए ने इसको तोड़ा, 9 जनवरी को कार्रवाई की गई, इसको पूरी तरह से धराशायी किया गया और इस कार्रवाई में जो कार्रवाई चली इसमें जो जेडीए के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, इवन जो पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी थे, थाने का पूरा जाप्ता था, जो मजदूर थे, जितने भी संसाधन लगे थे, चाहे वो लोखंडा मशीन हो, चाहे पॉकलैन मशीन हो या जेसीबी मशीन हो, जो भी लगे थे उन सबकी दर बाकायदा जोड़ी गई है। और जो अधिकारी कर्मचारी थे उनकी उस दिन की जो सैलरी है, एक दिन की सैलरी कितनी है, वो भी जोड़ी गई है। तो इस तरह से पूरा जोड़ के जो है 9,23,000 का एस्टिमेट जेडीए की अकाउंट सेक्शन ने जो है एस्टिमेट किया था। उसके बाद उसको नोटिस दिया गया था, 7 दिन में इसको पैसे जमा कराने थे, जो पैसे उसने जमा करा दिए इमारत मालिक ने। अगर ये पैसे जमा नहीं होते तो जेडीए जिला कलेक्टर को लिखता इस बारे में और जिला कलेक्टर की ओर से कुर्की की कार्रवाई करके ये 9,23,000 रुपए की वसूली की जाती। जी अभिषेक, हालांकि जैसे कि आपने बताया इमारत मालिक का जिस तरह से पेपर लीक में कोई हाथ नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर आते हुए वो लोग जो कहीं ना कहीं, अगर नियमों की अवहेलना की बात की जाए, क्योंकि जेडीए ने लगातार अवैध निर्माण की बात की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।